بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिस्पेक्टेड पेरेंट्स एंड डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामुअलैकुम। क्लास 7, योर सब्जेक्ट इज़ जनरल साइंस। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट यूनिट 5। द हेडिंग ऑफ द यूनिट इज़ फिज़िकल एंड केमिकल चेंजेस। Students, we will discuss about this unit in some steps. Number 1 is reading, number 2 explanation, and number 3 exercise, which includes MCQs, true false, fill in the blanks, and much more. So let's start. First of all, open your books, page number 54. Have you opened your books? Okay. Students, जैसा कि हम लोग अपनी previous class में पढ़ कर आए हैं, जिसमें हमारे पास इतनी explanation नहीं थी physical और chemical changes के बारे में। तो students, हमने previous class में पढ़ा था कि physical change वो change होता है कि जिसमें आप देखें कि आपके पास जैसे water है, ठीक है, तो आप जब उसको फ्रीज़ कर देते हैं तो वो चेंज हो जाता है, फिज़िकल चेंज, मतलब उसकी स्टेट चेंज हो जाती है, सॉलिड लिक्विड से वो सॉलिड स्टेट में चला जाता है। लेकिन जब आप उस आइस को रूम टेम्परेचर पर रखते हैं तो वो वापस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। तो फिज़िकल चेंज वो चेंज होता है जो परमानेंट चेंज नहीं होता, ये टेम्परेरी चेंज होता है जो वापस अपनी ओरिजिनल पोजिशन और ओरिजिनल स्टेट में आ सकता है, राइट। और केमिकल चेंज बिल्कुल इसके ऑपोजिट है, ठीक है। जैसे आपके पास एक पेपर है, आप उसको बर्न कर देते हो, जला देते हो, तो पेपर को जलाने के बाद आपके पास उसकी राख यानी कि ऐश बच जाता है, लेकिन ये आप उसको दोबारा पेपर नहीं बना सकते। तो स्टूडेंट्स, इस लिहाज से देखा जाए तो फिज़िकल चेंज वो चेंज है जो टेम्परेरी चेंज है, और केमिकल चेंज वो चेंज है जो परमानेंट चेंज है और इससे कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म कर सकते हैं हम, राइट। तो फिज़िकल चेंज टेम्परेरी चेंज है और इसे हम लोग अब इसकी ओरिजिनल पोजीशन में भी वापस लेकर आ सकते हैं, राइट। इस रिएक्शन को हम रिवर्सिबल भी बोलते हैं। और स्टूडेंट्स, जो होता है केमिकल चेंज, ये परमानेंट चेंज होता है और ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस नहीं आ सकता, लेकिन इसमें भी कुछ ऐसी कंडीशंस हैं कि हम उन चीज़ों को उसकी ओरिजिनल स्टेट में ला सकते हैं, लेकिन उसमें कुछ केमिकल रिएक्शंस करने पड़ते हैं जिसके बाद हम उसको उसकी ओरिजिनल स्टेट और पोजीशन में वापस लेकर आ सकते हैं।
तो स्टूडेंट्स, जो फिजिकल चेंज है हम उसको रिवर्सिबल चेंज भी कह सकते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन भी कह सकते हैं, राइट। और जो केमिकल चेंज है ये इरिवर्सिबल है, यानी कि ये वापस अपनी ओरिजिनल स्टेट में नहीं जा सकता। इसमें आप एग्जांपल ले सकते हैं, रिवर्सिबल चेंज है वाटर की ले सकते हैं, ठीक है, जो आइस में कन्वर्ट हो जाता है और वापस आइस लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। इसमें आप पेपर की ले सकते हैं, पेपर को जब आप बर्न करते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, ऐश में। बट ये इरिवर्सिबल चेंज है जो कि अपनी ओरिजिनल स्टेट में वापस नहीं जा सकता, राइट। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज वाटर केमिकली। स्टूडेंट्स, केमिकल चेंज और ये कंपाउंड मिक्सचर, ये सब आपस में इंटरमिंगल्ड है। जैसे देखिए कि हमारे पास दो सब्सटेंस हैं, अगर हम उन्हें केमिकली कंबाइन कर दें तो वो कंपाउंड बन जाता है, ठीक है। जो केमिकली कंबाइन चीज होती है वो कंपाउंड कहलाती है, राइट। तो स्टूडेंट्स, जैसे वो कह रहे हैं कि वाटर केमिकली क्या है, तो स्टूडेंट्स देखा जाए तो वाटर किस से बना है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू वाटर। तो स्टूडेंट्स, इसमें हमारे पास जो दो हैं एटम या मॉलिक्यूल वो हाइड्रोजन के हैं और एक ऑक्सीजन का है। जब हम इसे बनाएंगे तो ये हमारे पास ये बन जाएगा। तो ये केमिकली कंबाइन होते हैं, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जब हम आपस में मिलाते हैं, केमिकली कंबाइन करते हैं, तो हमारे पास वाटर बन जाता है। तो केमिकल कॉम्पोजिशन अगर देखी जाए वाटर की, तो वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से बनती है। और इसका फॉर्मूला क्या है, H2O, यानी टू इसके अंदर क्या है, एटम है या मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन के और एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, राइट। इसी तरह स्टूडेंट, सेकंड क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, व्हाट हैपन्स टू वाटर व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इट पास थ्रू इट। स्टूडेंट्स, तो इसका आंसर देखिए कि जब इलेक्ट्रिक करंट वाटर में से गुजरता है तो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो स्प्लिट कर जाते हैं, यानी ये हमारे पास वाटर का मॉलिक्यूल है, ठीक है। जब इसमें से करंट गुजरेगा तो ये मॉलिक्यूल टूट जाएंगे, ठीक है, स्प्लिट कर जाएंगे और किस में चेंज हो जाएंगे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, राइट। तो आप ये देखें कि जब इसमें से इलेक्ट्रिक करंट गुजरता है तो वाटर के मॉलिक्यूल स्प्लिट होके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में चेंज हो जाते हैं। तो इस तरह के केमिकल रिएक्शन को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है, इलेक्ट्रो लाइसिस सेपरेटली पढ़ेंगे, वैसे इसे इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ते हैं। लाइसिस मीन्स ब्रेक डाउन, इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिकली ब्रेक डाउन करना, किसी भी मॉलिक्यूल को इलेक्ट्रिकली ब्रेक डाउन करना, वो हमारे पास प्रोसेस कहलाता है इलेक्ट्रोलिसिस। जैसे वाटर में से इलेक्ट्रिक करंट गुजरेगा, ये इलेक्ट्रिक करंट है जो एरो मैंने शो किया हुआ है। जब इसमें से वाटर का ये मॉलिक्यूल है पूरा, ठीक है, ये वाटर है, अब जब इसमें से इलेक्ट्रिक करंट गुजरेगा तो उसको वो स्प्लिट कर देगा मॉलिक्यूल में, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में स्प्लिट कर देगा दोनों को। और करने के बाद जो है ये प्रोसेस हमारे पास कहलाता है इलेक्ट्रोलिसिस, जिसमें मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रो का मतलब है इलेक्ट्रिकली, लाइसिस मीन्स ब्रेक डाउन, इज इट क्लियर स्टूडेंट्स। उसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन हमारे से पूछा गया है वो है, व्हाई डू वी पेंट द ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ आयरन। हम लोग ऑब्जेक्ट्स को पेंट क्यों करते हैं जो आयरन से मिलके बने हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स आप प्रीवियस क्लास में इसके बारे में पढ़ के आए हैं, जिससे हम रस्टिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, रस्टिंग। ये अभी सिर्फ आपके क्वेश्चन डिस्कस कर रही हूँ जो आपके चैप्टर की मतलब यूनिट के स्टार्ट में दिए गए हैं, अभी हमने इसकी डिटेल आगे पढ़नी है। तो रस्टिंग यानी रस्ट किसे कहते हैं, जंग को, ठीक है। और ये किस तरह लगता है स्टूडेंट्स, जब पानी, यानी अगर मैं इसको एक फॉर्मूले में लिखना चाहूँ तो मैं ऐसे लिखूंगी, वाटर प्लस आयरन प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू रस्टिंग। यानी कि पानी के अंदर
आपने कोई भी आयरन का मटेरियल है, पानी के अंदर है और हवा से ऑक्सीजन उसके साथ रिएक्ट करेगी तो जंग लग जाएगा। जैसे आपने देखे अक्सर जो हमारे टेरेस पर ग्रिल्स वगैरह लगी हुई होती हैं वो अक्सर आयरन की होती हैं, तो बारिश के पानी की वजह से आपने देखा है उसके ऊपर जंग लगना शुरू हो जाता है, फिर हम उसको पेंट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम पेंट इस वजह से करते हैं ताकि वो आयरन को रस्टिंग से बचा सके और ऑक्सीजन का कांटेक्ट जो होता है वाटर के साथ या रस्टिंग के साथ उससे बचाया जा सके, यानी टू प्रिवेंट रस्टिंग। हम इसलिए पेंट वगैरह करते हैं आयरन के मटेरियल को, राइट? तो अभी तक जो हमारे पास क्वेश्चन हमने पढ़ा उसमें एक तो वाटर की कॉम्पोजिशन केमिकली जो कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बाइंड करने से बनती है, फिर हमने इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में पढ़ा कि जब इलेक्ट्रिकली जो कोई भी आपके पास मटेरियल है जैसे वाटर है तो उसमें से अगर आप करंट पास करें तो क्या होता है, तो स्टूडेंट्स वो उस करंट की वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रोलिसिस हो जाती है, वो उसके मॉलिक्यूल्स या एटम को सेपरेट कर देता है, ब्रेक डाउन कर देता है, स्प्लिट कर देता है और उसको वापस उसकी मतलब रिएक्टेंट्स में ले आता है। तो और तीसरी चीज़ हमने रस्टिंग के बारे में पढ़ा, यानी जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया था कि हम आयरन को क्यों पेंट करते हैं, ताकि उसके ऊपर जंग ना लग सके और ऑक्सीजन के रिएक्शन को रोकने के लिए, राइट? तो ये थ्री क्वेश्चंस हमसे पूछे गए थे जिनके आंसर मैंने आपको समझा दिए। स्टूडेंट्स आगे देखिए, स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम्स, अब जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, सो आफ्टर स्टडिंग दिस चैप्टर स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस वाइल कंसिडरिंग डेली लाइफ एग्जाम्पल्स। स्टूडेंट्स इसमें जैसे मैंने आपको फिजिकल और केमिकल चेंज के बारे में बताया कि ये रिवर्सिबल चेंज भी हो सकता है या रिएक्शन हो सकता है, वो इरिवर्सिबल चेंज और रिएक्शन हो सकता है, तो स्टूडेंट्स इसमें ये है कि हम इसमें डेली लाइफ की भी एग्जाम्पल्स ले सकते हैं। जैसे आपको समझाने के लिए मैंने वाटर की ली, आइस की ली, ठीक है? उसके बाद है रिकग्नाइज डैट ऑक्सीजन इज नीडेड इन कंबस्शन रस्टिंग टार्निशिंग, एक्सप्लोर मेथड्स ऑफ प्रिवेंटिंग रस्टिंग, रिलेट यूजेस ऑफ मटीरियल्स टू देयर केमिकल प्रॉपर्टीज टेंडेंसी टू रस्ट फ्लेमेबिलिटी, इवेल्यूएट इम्पैक्ट ऑफ कंबस्शन रिएक्शन ऑन एनवायरनमेंट, रिलेट यूजेस ऑफ मटीरियल्स टू देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, थर्मल कंडक्टिविटी, डिस्टिंग्विश बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो स्टूडेंट्स हमने इसके अंदर ये पढ़ना है। अब यहाँ पे वोकैबुलरी दी गई है जिसमें आपको डेफिनेशंस मिल जाएंगी, जैसे केमिकल रिएक्शन है, रिएक्टेंट्स हैं, प्रोडक्ट्स हैं, टार्निश क्या होता है, केमिकल इक्वेशन क्या होती है और फ्लेमेबिलिटी, ठीक है? तो ये न्यू वर्ड है फ्लेमेबिलिटी, जैसे आपको लग रहा है, या टार्निश, तो ये हम आगे डिटेल इसकी पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स जब हम आगे चैप्टर को पढ़ेंगे यानी यूनिट को पढ़ेंगे तो उसमें जो ये टर्म्स आएंगी तो आप उनकी डेफिनेशंस को इस तरह भी याद कर सकते हैं, राइट? अब स्टूडेंट्स हम लोग स्टार्ट करते हैं जो यहाँ पर आपकी रीडिंग में बताया गया है। तो यहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल को डिस्कस किया गया। अब इसमें मैं आपको बताऊंगी कि रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, ठीक है? रिवर्सिबल रिएक्शन और इरिवर्सिबल तो मैं आपको बता चुकी हूँ, लेकिन अब रीडिंग के दौरान पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स यहाँ पर उन्होंने वाटर रखा हुआ है पैन में, तो हमसे इंक्वायरी में पूछा गया है कि स्ट्रक्चर क्या है वाटर का। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि हमारे पास एक जो है वो है ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, ठीक है, और दो हमारे पास हैं हाइड्रोजन, जो कि मैं यहाँ पे बना रही हूँ कलर्ड में ताकि आपको समझ आ जाए। तो स्टूडेंट्स जो पैन है उसमें वाटर है और हमसे ये पूछा गया है इंक्वायरी में कि आप ये बताएं कि वाटर का स्ट्रक्चर किस तरह का है। तो स्टूडेंट्स वाटर का स्ट्रक्चर ऐसे है,
यानी टू इसमें हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है और एक ऑक्सीजन का है, तो वाटर का स्ट्रक्चर इस तरह का है। सेकंड में हमसे स्टीम के स्ट्रक्चर के बारे में पूछा गया है, तो ऑब्वियसली स्टीम भी क्या है, वाटर से ही बन रही है ना, यानी वाटर को जब आप बॉयल करते हैं तो एक्सट्रीम टेम्परेचर पर जब आप वाटर को बॉयल करते हैं तो उसमें से स्टीम जो है वो निकलना शुरू हो जाती है, जिसे हम भाप कहते हैं। है तो वो वाटर ही, तो उसका स्ट्रक्चर भी सेम एज इट इज इसी तरह का ही है, यानी वाटर मॉलिक्यूल। स्टूडेंट उसके बाद आप देखिए कि वाटर जो है वो स्टीम में चेंज हो जाती है, तो आप मुझे बताएं फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है। तो स्टूडेंट्स आप देखिए कि ये परमानेंट चेंज तो नहीं है, ठीक है, तो ये जो वाटर का स्टीम में चेंज हो जाना फिजिकल चेंज कहलाता है। जब वाटर को आप ठंडा करते हैं तो वो किस स्टेट में चेंज हो जाता है, यानी वाटर चेंजेस इनटू स्टीम। तो स्टूडेंट्स ये कौन सा चेंज है, फिजिकल चेंज, जिसे मैं पी और सी से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, फिजिकल चेंज है। जब आप वाटर को कूल कर देते हैं, ठंडा कर देते हैं, यानी लिक्विड जो है वो सॉलिड में चेंज हो जाता है, लिक्विड चेंजेस इनटू सॉलिड ऑन कूलिंग, वो क्या कहलाती है, आइस, जिसे हम सॉलिड मटेरियल कहते हैं। तो ये भी फिजिकल चेंज है, क्योंकि जब आप पानी को दोबारा रूम टेम्परेचर पर रखेंगे तो आइस मेल्ट होकर दोबारा लिक्विड में चेंज हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स ये रिवर्सिबल रिएक्शन कहलाता है, जो कि ऊपर मैंने आपको बताया लिक्विड चेंज हो रहा है सॉलिड में, ठीक है, ऑन कूलिंग, ठंडा होने के बाद, ठीक है, तो वो आइस में चेंज हो गया। अब जब आइस को आप थोड़ा सा हीट करेंगे तो ये वापस लिक्विड में चेंज हो जाएगी, जिसे हम रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है, और फिजिकल चेंज भी कहते हैं। अब स्टूडेंट्स रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के बारे में मैं आपको बताती चलूं, तो ये मेरे पास, मैं वाटर की ही आपको एग्जांपल दे रही हूँ। स्टूडेंट्स जो चीज़ें हमें रिक्वायर्ड होती हैं किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए, वो रिएक्टेंट्स कहलाती हैं। सो दीज टर्म्स आर रिएक्टेंट्स, और जब ये कंबाइन हो जाती हैं केमिकली और हमारे पास जो चीज़ आगे बनती है, जैसे वाटर बन रहा है, तो ये क्या है, प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल आपने, आपको मैं एक डेली लाइफ एग्जांपल देती हूँ, आपने चाय बनानी है, ठीक है। अब चाय बनाने के लिए जो जो मटेरियल आपको चाहिए है, उसमें आपको क्या चाहिए, टी लीव्स चाहिए, ठीक है, शुगर चाहिए, मिल्क चाहिए। जब ये चीज़ें जो आपको चाहिए हैं ये कहलाएंगी रिएक्टेंट्स, और जब आप उनको बना लेंगे, स्टेन कर लेंगे, जो चाय आपके पास बन के आ जाएगी वो कहलाएगी प्रोडक्ट, राइट। तो जो चीज़ें हमें चाहिए होती हैं किसी भी चीज़ को बनाने के लिए आगे, वो रिएक्टेंट्स कहलाती हैं, और उनको जब हम कंबाइन करते हैं, चाहे वो हम केमिकली कर रहे हैं या उस तरह, तो वो प्रोडक्ट्स कहलाती हैं। ये आपने बात याद रखनी है। जैसे स्टूडेंट फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन था, तो उसमें आपको बताया था उसकी इक्वेशन में कि किस तरीके से हम लोग जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा था उसमें हमारे पास क्या प्रोडक्ट्स थी और क्या रिएक्टेंट्स थे। जैसे मैं आपको इक्वेशन लिखकर बताती हूँ, जस्ट आपको समझाने के लिए, हमें चाहिए था कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस सनलाइट। अब ये चीज़ें हमें रिक्वायर्ड हैं कि हमने फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन के लिए, हमारी रिक्वायरमेंट ये है, तो ये चीज़ें कहलाती हैं रिएक्टेंट्स। अब हमारे पास प्रोडक्ट क्या आएगी, अब प्रोडक्ट में आप देखें तो हमारे पास प्रोडक्ट आएगी, मैं यहाँ पे नीचे लिख रही हूँ, ऑक्सीजन प्लस ग्लूकोज। तो ये फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन मैं आपको बता रही हूँ कि इसमें भी मैंने आपको इस इक्वेशन को समझाते हुए बताया था कि जो चीज़ें हमें चाहिए हैं वो रिएक्टेंट्स कहलाती हैं, और आगे जो हमारे पास इन चीज़ों को कंबाइन करने से बन रहा मटीरियल वो प्रोडक्ट कहलाते हैं, राइट। बट आपका इस यूनिट में फोटोसिंथेसिस से कोई कंसर्न नहीं है, ये जस्ट आपको समझाने के लिए थी।
तो स्टूडेंट्स आपको फिजिकल चेंज के बारे में समझ आ गया कि फिजिकल चेंज जो है वो रिवर्सिबल रिएक्शन है। अभी इसकी डिटेल आगे हम पढ़ेंगे डिफरेंट एग्जांपल्स के जरिए। तो स्टूडेंट्स आप ये देखिए, रिएक्टेंट्स ये कहलाती हैं और प्रोडक्ट्स इसे कहते हैं। अगर स्टूडेंट आप आगे देखिए, जिसमें आपको उन्होंने बताया हुआ है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन और इसका पूरा इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस बताया हुआ है, लेकिन इस इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस की डिटेल आप बड़ी क्लास में पढ़ेंगे, जो कि मैंने आपको समझाने के लिए तो बता दिया कि जब हम करंट को वाटर में से गुजारते हैं, पास करते हैं, तो वाटर मॉलिक्यूल जो है वो स्प्लिट हो जाता है और वो किस में चेंज हो जाता है, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलहदा कर देता है, जिस प्रोसेस को हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। तो स्टूडेंट्स आप देखिए कि उन्होंने कहा है कि जब हम वाटर के अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को गुजारते हैं तो वाटर डिफरेंट कॉम्पोनेंट में चेंज हो जाता है, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है, तो जब हम उसमें से इलेक्ट्रिक करंट को गुजारते हैं तो वो डिफरेंट मॉलिक्यूल में चेंज हो जाता है, राइट। तो स्टूडेंट्स इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो एलिमेंट्स हमारे पास आते हैं, ठीक है। तो जब वाटर दो कॉम्पोनेंट में चेंज हो जाता है तो वो हमारे पास केमिकल चेंज कहलाएगा, राइट। क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि वाटर और ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब केमिकली कंबाइन करते हैं तो हमारे पास कंपाउंड बनता है वाटर का। तो इसी तरह हमारे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों कंपोनेंट्स हमारे पास आ जाते हैं जब हम इलेक्ट्रिक करंट को जब हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, यानी वाटर के वाटर में से जब करंट को पास करते हैं तो वो वाटर के मॉलिक्यूल स्प्लिट हो जाते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो कंपोनेंट्स में आ जाते हैं, तो वो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस कहलाता है। तो इसकी डिटेल आप बड़ी क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन ये प्रोसेस जो है ये केमिकल चेंज कहलाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। क्योंकि जब हम वापस इन्हें मिलाएंगे, दोनों को केमिकली कंबाइन करेंगे, तो हमारे पास वाटर बन जाएगा। और स्टूडेंट्स कुछ कंपोनेंट्स को वापस उसी स्टेट में लाना बहुत मुश्किल होता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो सॉलिड मटेरियल होता है वो इजीली कंप्रेसिबल नहीं है, आप उसे कंप्रेस नहीं कर सकते, आप उसको किसी और चीज़ में एडजस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी एक फिक्स शेप और फिक्स वॉल्यूम होता है। इस वजह से आप उसको उसी चीज़ में रखेंगे जितनी उसकी वॉल्यूम है और जितनी उसकी जैसी शेप है। आगे देखिए, अब जो हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो फिजिकल चेंज है। तो स्टूडेंट्स जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि हमारे पास जो लिक्विड है वाटर, जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो वाटर है फ्रीजिंग पॉइंट क्या है वाटर का, जो कि मैंने आपको बताया था 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। और जब हमने बॉयल कर रहे होते हैं इसको एक्सट्रीम टेम्परेचर पर, तो ये स्टीम में भी चेंज हो जाता है, ठीक है, बॉयल होकर स्टीम में चेंज होता है। तो स्टूडेंट्स ये फिजिकल चेंज की आपको मतलब एक स्टेट से दूसरी स्टेट के अंदर चेंज हो जाना, यानी उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी का चेंज होना फिजिकल चेंज कहलाता है। जैसे यहाँ पर एक साइकिल दिया हुआ है, ठीक है, मैं यहाँ पर ड्रॉ कर देती हूँ आपको, बल्कि इसे इरेज करके यहाँ मैं साइकिल ड्रॉ करके आपको बताऊंगी कि कैसे फिजिकल चेंज जो है मतलब एक स्टेट से दूसरी स्टेट में कैसे चेंज होता है फिजिकल चेंज। सबसे पहले आपके पास लिक्विड वाटर है, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अगर मैं आपको डायग्रामेटिकली शो नहीं कर रही तो मैं सिर्फ लिख देती हूँ ताकि आपको पता चल जाए। ये हमारे पास आइस क्यूब है, ठीक है, क्योंकि फ्रीज हो रही है एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा, फ्रीज होने के बाद क्या होगा, मेल्ट, ऑब्वियसली मेल्ट एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड।
उसके बाद जब ये मेल्ट हो जाएगी तो वापस लिक्विड वाटर में चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे आपने बॉयल करना है, बॉयल एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब जब बॉयल होगा वाटर तो किस में चेंज होगा, स्टीम, ठीक है स्टूडेंट्स। अब स्टीम में चेंज होने के बाद आप देखेंगे ये वापस कंडेंस हो जाएगा, कंडेंसेस एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये जो साइकिल आपको यहाँ पे शो करवाया गया है ये कन्वर्जन है एक स्टेट से दूसरी स्टेट के अंदर आपके पास। तो ये जो प्रोसेस है ये फिजिकल चेंज की आपके पास एग्जांपल है, जिसमें आप देखें कि जो वाटर है जब आप उसे फ्रीज करते हैं, वाटर को जब आप फ्रीज कर रहे हैं तो वो जीरो डिग्री सेंटीग्रेड पे फ्रीज होके लिक्विड से सॉलिड में चेंज हो जाता है, और फिर यही आइस क्यूब जब मेल्ट होती है तो जीरो डिग्री सेंटीग्रेड पर ही मेल्ट होगी, और मेल्ट होने के बाद ये वापस किस में चेंज हो जाएगी, लिक्विड में। पहले लिक्विड सॉलिड में, सॉलिड को जब हम थोड़ा सा हीट करते हैं या हम उसको रूम टेम्परेचर पर रखते हैं उसके टेम्परेचर से कम पर, तो ये मेल्ट होकर दोबारा लिक्विड स्टेट में आ जाएगी। और अगर आप इस लिक्विड को बॉयल करते हैं तो ये स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा, और उसके बाद वही स्टीम कंडेंस होकर वाटर ड्रॉपलेट्स में चेंज हो जाएगी, राइट। तो वापस ये दोबारा लिक्विड के अंदर चेंज हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये चेंज कहलाता है फिजिकल चेंज, इज इट क्लियर। तो आप इसकी डायग्राम को अच्छे तरीके से याद कर लें, और इसके अलावा अगर आप कोई डेली लाइफ एग्जांपल लेना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं वो भी। स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें एक उन्होंने कुछ एग्जांपल्स के लिए दो तीन एग्जांपल्स यहाँ पर दिए हैं, जिसमें हीटिंग ऑफ जिंक ऑक्साइड। तो सबसे पहले तो हम इसकी डायग्राम ड्रॉ करते हैं ताकि आपको उससे अच्छे तरीके से समझ आ सके कि ये क्या है। आप तमाम बच्चे भी साथ साथ ड्रॉ करें ताकि आपको भी पता चले कि हम क्या कर रहे हैं। हमारे पास जो इसकी एग्जांपल है वो है हीटिंग ऑफ जिंक ऑक्साइड। स्टूडेंट जिंक ऑक्साइड एक सब्सटेंस है, यानी ये वाइट सब्सटेंस है। जिंक ऑक्साइड क्या है, वाइट सब्सटेंस है, ठीक है। और जब हम लोग इसको हीट करते हैं तो इसका कलर चेंज हो जाता है, ये वाइट से येलो कलर में चेंज हो जाता है ऑन हीटिंग। It changes into yellow color. ये yellow color में change हो जाता है। और जब हम इसको cool करते हैं on cooling, ये दोबारा white color में change हो जाता है on cooling. It changes into white color. तो स्टूडेंट्स ये देखिए, ये फिजिकल स्टेट है जिसमें जिंक ऑक्साइड हमारे पास एक सब्सटेंस है जो कि वाइट कलर में होता है। अब ये हम क्यों इस्तेमाल करते हैं और इसका यूज़ क्या है, किस किस चीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आप बड़े लेवल पर जाकर केमिस्ट्री में पढ़ेंगे कि हम इसको किस किस केमिकल रिएक्शन के थ्रू यूज़ कर सकते हैं। आपने इसमें जस्ट फिजिकल चेंज की एग्जांपल को समझने के लिए याद करना है कि जिंक ऑक्साइड वाइट सब्सटेंस है, जब हम इसको हीट करते हैं तो इसका कलर चेंज होके येलो हो जाता है, और जब ये ठंडा होता है तो इसका कलर वापस जो है वो वाइट हो जाता है, राइट। तो आपको इसका प्रैक्टिकल भी करवाया जाएगा ताकि आप इसके अंदर देख सकें कि इसका क्या इफेक्ट है। जैसे मेरे पास एक डिश है, ठीक है, इसके अंदर ये पड़ा हुआ है, और हमारे पास जो है वो स्टैंड है,
और अगर हम इसको हीट करेंगे, आप स्पिरिट लैम्प भी ले सकते हैं और इसके अलावा कोई कैंडल या कोई बर्नर भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे स्पिरिट लैम्प बना देती हूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास डिश है जिसके अंदर आपको ये जिंक ऑक्साइड पड़ा हुआ है, ठीक है। जब हम इसको यहाँ से हीट देंगे, हीट देने पर ये येलो में चेंज हो जाएगा, इसका कलर क्या हो जाएगा, येलो। और जब हम इसको हीट इसकी मतलब ये बंद कर देंगे और ये ठंडा हो जाएगा, तो आप देखेंगे कि वापस कूलिंग जब इफ़ेक्ट होगा इसके ऊपर, तो ये वापस वाइट में चेंज हो जाएगा। तो आपने ये एग्जांपल याद रखनी है, ये फिज़िकल चेंज कहलाता है कि जो सब्सटेंस या जिसकी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ चेंज होती हैं वो हमारे पास फिज़िकल चेंज कहलाता है। और स्टूडेंट्स, ये भी आपको मैंने बताया कि जो फिज़िकल चेंज है वो कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बनाता, वो रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, वापस अपनी उस ओरिजिनल स्टेट में आ जाता है। जैसे आप शुगर को वाटर में डिसॉल्व करें तो आपके पास एक स्वीट सॉल्यूशन बनता है, ठीक है। तो आप मुझे बताएं कि प्योर वाटर से ये डिफरेंट होता है, ठीक है। तो ये क्या फिज़िकल चेंज है जी? क्या आप देखें, जब आपने उसको डिसॉल्व कर ली, डिसॉल्व करने के बाद आप अगर उसमें से शुगर को अलहदा करना चाहते हैं तो फिर आप उसको हीट करते हैं। हीट करने से क्या होगा कि जो वाटर है वो तो इवेपोरेट हो जाएगा, ठीक है। तो शुगर के जो पार्टिकल्स हैं वो उसी तरह नीचे रह जाएंगे। तो फिज़िकल चेंज वो चेंज है जो आप जिसकी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर सकते हैं, लेकिन इससे कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बन सकता। ये आपको समझ आ गया स्टूडेंट्स? इसी तरह एक और एग्जांपल उन्होंने दी हुई है जिसमें है हीटिंग ऑफ नाइक्रोम वायर। एक तो हमारे पास ये था, सेकंड है हीटिंग ऑफ नाइक्रोम वायर। तो स्टूडेंट्स, नाइक्रोम वायर को हम लोग क्यों यूज़ करते हैं? जैसा कि मैं आपको बताऊं कि नाइक्रोम वायर जो है सिल्वर ग्रे कलर की होती है, और सिल्वर ग्रे कलर की वजह से जब हम इसे हीट करते हैं, ये भी बिल्कुल फिज़िकल चेंज की एग्जांपल है जिसमें आपको मैं वाइट कलर की जैसे होती है उस तरह की ये वायर है। और हम इसे यूज़ किस लिए करते हैं? हम लोग इसको फायरवर्क्स वगैरह के अंदर यूज़ करते हैं, और इसके अलावा हम लोग कुछ मेटल्स के फ्रेम्स वगैरह बनाने के लिए यानी फ्लेम्स में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो मतलब ये ज़्यादातर जो यूज़ होती है वो इग्नाइटर के तौर पर यानी आग वगैरह जलाने के तौर पर इस्तेमाल होती है। नाइक्रोम वायर के बारे में बता रही हूँ जो कि हम फायरवर्क्स में यूज़ करते हैं। तो इसका कलर जो होता है वो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि सिल्वर ग्रे कलर होता है, जैसे आप अक्सर फायरवर्क्स में यूज़ करते हैं, तो इसका कलर क्या होता है, सिल्वर ग्रे। लेकिन जब आप इसको हीट करते हैं तो हीट करने की वजह से इसका कलर चेंज हो जाता है रेड हॉट कलर और वाइट हॉट में। जब ये ठंडा होता है तो वापस ये सिल्वर ग्रे कलर में रिटर्न हो जाता है। इज इट क्लियर? यानी ये सिल्वर ग्रे कलर की होती है, लेकिन जब हम इसको हीट करते हैं ऑन हीटिंग, ये किस में कन्वर्ट हो जाती है, रेड हॉट कलर में या वाइट कलर में। लेकिन ऑन कूलिंग और ठंडा होने के बाद ये वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाती हैं, यानी कि वाइट या सिल्वर ग्रे कलर में, सिल्वर ग्रे कलर में आ जाती है। तो ये दोनों एग्जांपल्स जो थी इसकी, ये फिजिकल चेंज की एग्जांपल्स यहाँ पे दी गई हैं। स्टूडेंट्स, फिजिकल चेंज की जो लास्ट हमारे पास एग्जांपल है वो है डिसॉल्विंग कॉमन सॉल्ट इन वाटर। तो सबसे पहले तो मैं इसकी डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ करूंगी ताकि आपको समझाने में आसानी हो। हमने सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व करना है और उसके बाद देखेंगे कि वो कैसे अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आता है। टॉपिक है डिसॉल्विंग कॉमन सॉल्ट
इन वाटर. तो स्टूडेंट सबसे पहले जो चीज हमने लेनी है वो है बीकर और ग्लास रॉड. सबसे पहले हमारे पास है बीकर. ठीक है, इसमें वाटर है और ये हमारे पास एक रॉड है जिसे हम स्टिरर भी बोल सकते हैं, स्टिर करने के लिए, हिलाने के लिए. तो ये क्या है? बीकर. ये इसमें क्या है? वाटर. ये है ग्लास रॉड. अब हम आगे देखिए, ये मैं स्ट्रैंड बना रही हूं जिसके ऊपर हम बीकर को रखेंगे. ठीक है, ये जो बीकर मैंने बनाया है सेपरेटली, ये हो गया. ये बीकर है. अब स्टूडेंट्स हमने इसके ऊपर नीचे आप इसका स्पिरिट लैंप भी बना सकते हैं, वो मैं यहां पे ड्रॉ कर देती हूं. थोड़ा टेढ़ा है. ये जो बीकर अभी हमने बनाया ये वो है, ये वो स्टैंड है, ट्राइपॉड स्टैंड बोलते हैं वैसे इसको. जब आप प्रैक्टिकल्स करेंगे बड़ी क्लास में तो आपको इनके तमाम जो मटेरियल या ऑपरेटर्स है उसके बारे में डिटेल से बताया जाएगा कि किस तरीके से हम उसे यूज करते हैं. अब यहां पर मैं कैंडल बना रही हूं क्योंकि हमने इसे हीट करना है. तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास है ट्राइपॉड स्टैंड जिसमें हम इसको हीट करेंगे. अच्छा जी, अब हमने यहाँ पर क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वो है कॉमन सॉल्ट को हमने डिसॉल्व करना है वाटर के अंदर, तो आप ये देखिए हम इसके ऊपर बीकर के ऊपर सॉल्ट सॉल्यूशन रखेंगे. ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास सॉल्यूशन है जो कि है सॉल्ट सॉल्यूशन. अब हीट करने की वजह से क्या होगा, मैं यहां पे आपको लिख देती हूं ताकि आपको याद रहे. ये वाटर है इसमें और ये हमारे पास है सॉल्ट सॉल्यूशन. सॉल्ट सॉल्यूशन और ये वाटर है. अब हम इसको हीट करेंगे. तो स्टूडेंट्स आप देखिए कि ये फिजिकल स्टेट है क्योंकि सॉल्ट जो है वो वैसे ही रहता है, उसकी जो केमिकल स्टेट है हम उसको सेपरेट कर सकते हैं बाय बॉइलिंग, यानी अगर हम उसको बॉयल करेंगे तो वाटर सारा इवेपोरेट हो जाएगा और वाइट रेजिड्यू हमारे पास बच जाएगा जो हम जिसे कहेंगे कि कॉमन सॉल्ट वो पीछे रह गया. यानी आप देखिए कि ये पानी है, जब हम इसे हीट कर रहे हैं तो आपकी जो ये स्टीम नज़र आ रही है ये वेपर्स हैं, पानी सारा इवेपोरेट हो जाएगा और सॉल्ट का जो सॉल्यूशन है वो ये है. अब मैं इसको आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ कि अगर पानी सारा इवेपोरेट हो जाएगा तो कुछ इस तरह के रेजिड्यूज रह जाएंगे, यानी बाकियात रह जाएंगे जिसे हम कहेंगे कि ये सॉल्ट है. तो डिजॉल्विंग कॉमन सॉल्ट इन वाटर, ये कि आपने सबसे पहले एक बीकर लेना है, उसमें पानी लेना है, ग्लास रॉड या स्टिरर ले सकते हैं आप. उसके बाद क्या करेंगे, आपने ट्राइपॉड स्टैंड लेना है, उसके नीचे आप स्पिरिट लैंप या आप कोई कैंडल या कोई बर्नर यूज कर सकते हैं जस्ट हीट करने के लिए. जब आप देखेंगे जो बीकर आपने रखा है उसमें पानी बॉयल होना शुरू होगा,
जब पानी बॉयल होगा हीट की वजह से तो हीट वेपर्स में चेंज होगी, यानी इवेपोरेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। फिर आप इसके ऊपर सॉल्ट सॉल्यूशन की डिश रख दें, फिर आप देखेंगे कि ये हीट से ये सॉल्ट सॉल्यूशन की जो डिश है ये भी हीट अप होगी और इसके अंदर जो पानी के अंदर सॉल्ट मौजूद है उसमें से पानी भी सारा इवेपोरेट हो जाएगा, यानी वेपर्स की फॉर्म में हवा में चला जाएगा और हमारे पास कुछ रेजिड्यूज बच जाएंगे सॉल्ट के, जिसे हम कहेंगे कि हम सॉल्ट को इस तरीके से भी सेपरेट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये फिजिकल चेंज है, पहले आपने उसको पानी में अच्छे तरीके से सॉल्यूशन बना लेना है और उसको सेपरेट करके आप वापस अपने सॉल्ट यानी वाइट क्रिस्टल्स की फॉर्म में उसको वापस लेकर आ सकते हैं। तो ये प्रोसेस जो है हमारा कहलाता है फिजिकल चेंज। तो स्टूडेंट्स फिजिकल चेंज के बारे में हमने जो पढ़ा उसमें ये कि फिजिकल चेंज एक तो रिवर्सिबल चेंज है, आप इसको वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में लेकर आ सकते हैं। इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल आपको भी जो है आइस की दी थी, तो आपने इसमें कुछ पॉइंट्स लिखने हैं, ठीक है, फिजिकल चेंज में जो कि मैं आपको बता रही हूँ कि ये रिवर्सिबल चेंज है और ये वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन के अंदर आ जाता है। इससे कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बनता बल्कि जो मटेरियल हमने कंबाइन किया हुआ होता है वो वापस अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ जाता है, जैसे लिक्विड सॉलिड में चेंज होता है आइस की सूरत में, और आइस जब मेल्ट होती है तो वापस लिक्विड में चेंज हो जाती है। तो ये फिजिकल चेंज है। इसके अलावा भी आप इसमें डेली लाइफ की एक्टिविटीज़ या डेली लाइफ की कुछ एग्जांपल्स ऐड कर सकते हैं फिजिकल स्टेट में। तो आज जो हमने टॉपिक पढ़ा वो फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर के बारे में पढ़ा कि फिजिकल चेंज क्या होता है। तो उसमें आपने तीन तरह की बातें पढ़ी, जिसमें हमने जिंक ऑक्साइड जो कि एक सब्सटेंस है उसे हीट अप किया तो उसका कलर चेंज हो गया येलो में, जब वो कूल होता है तो वापस अपनी उसी स्टेट में आ जाता है। इसी तरह नाइक्रोम वायर, जिसका मैंने आपको बताया कि ये फायरवर्क्स में वायर इस्तेमाल होती है, और इसके अलावा किसी भी मटेरियल को इग्नाइट करना हो, इग्नाइट का मतलब होता है जलाना, फ्लेम पैदा करना, उसमें ये नाइक्रोम वायर यूज़ होती है। तो ये सिल्वर ग्रे वायर होती है और जब आप इसको हीट करते हैं तो पहले तो ये रेड हॉट कलर में चेंज होती है, फिर वाइट में, और जब ठंडी हो जाती है तो वापस सिल्वर ग्रे में चेंज हो जाती है। इस तरह थर्ड में हमने ये डिसॉल्विंग कॉमन सॉल्ट पढ़ा कि पहले आपने सॉल्ट सॉल्यूशन बनाना है, फिर उसको हीट करेंगे तो वाटर इवेपोरेट कर जाएगा और आपके पास सॉल्ट के रेजिड्यूज बच जाएंगे, ठीक है, और वाइट क्रिस्टल की फॉर्म में आपके पास सॉल्ट उसी तरह वापस आ जाएगा। इज इट क्लियर? तो स्टूडेंट्स आपने इनको इसी तरह जैसे मैंने डायग्राम के थ्रू आपको करवाया और जो इनकी एग्जांपल्स और इनके पॉइंट्स आपको बताए हैं आपने इसी तरीके से इसको लर्न करना है, और जो स्टार्टिंग में हमारे पास 3 क्वेश्चंस आए थे वो आपने याद करने हैं। सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।